हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे इंटीग्रल्स की जिसमें फंक्शन की पावर n के साथ में फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाइड है और उस प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो ऐसे केसेस में हमने फंक्शन को मान लेना है t। अगर आप फंक्शन को t मानेंगे तो एफ एक्स हो गया आपका t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x यू विल गेट एफ डैश x इज इक्वल टू dt बाई dx। इसका मतलब एफ डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब आपका एफ डैश एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा तो यहां बचा रह जाएगा टी रेज टू दी पावर एन। इट मींस आपका इंटीग्रल चेंज हो जाएगा इंटीग्रल टी टू दी पावर एन विद रेस्पेक्ट टू टी में, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टी रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ऐसे अब चेक करते हैं यार ऐसा हमें कैसे मिलेगा। तो हमारे पास ये चार क्वेश्चन है, इन फोर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं इसी तरीके से। यहां हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर यहां देखें तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हमें यहां क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम मान लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी और इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो 0 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और इससे आपको मिल जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स बाई एक्स है आपके पास तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रल 1 प्लस लोग एक्स को आपने माना टी, तो टी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया डी टी dt। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री सी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज t 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू। अब हम देखते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन को। इस सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसके लिए हम पहले सोल्व करते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा को। अगर हम देखें साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा को हम ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, और ये हमें देगा साइन एक्स यहां से कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने मतलब डिवाइड करना, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4x, और यहां हमारे पास बचेगा कोस अल्फा प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो इट मीन्स हमारा साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा चेंज हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा में। तो आई हमारे पास हो गया इंटीग्रल, इसका अंडर रूट करेंगे तो साइन रेज टू द पावर 4x में से साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स आउटसाइड द स्क्वायर रूट, और अंडर रूट के अंदर हमारा बचा रह जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोट एक्स। अब यहां कोस अल्फा साइन अल्फा कॉन्स्टेंट होंगे, वेरिएबल केवल कोट एक्स होगा। यहां 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर देखें तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास न्यूमरेटर में है, तो
तो हम मान लेते हैं डिनोमिनेटर को, यानी कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोटेक्स को टी, अगर हम इसको टी मानते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोटेक्स का माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और इससे हमारे पास आया कोसाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां करते हैं तो हमारे पास आएगा सो आई इज इक्वल टू, आई रहा हमारा इंटीग्रल कोसाइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हो गया माइनस डी टी बाई साइन अल्फा, और ये हो गया वन अपॉन रूट टी इंटू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। अब अगर यहां देखें तो माइनस और वन अपॉन साइन अल्फा कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन अल्फा एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू द पावर माइनस हाफ विद रेस्पेक्ट टू टी। अब टी रेस टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन बाई साइन अल्फा, एंड ये हो गया टी रेस टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये माइनस हाफ प्लस वन, प्लस हाफ का मतलब टू ऊपर पहुंचेगा तो माइनस टू अपॉन साइन अल्फा, और ये टी रेस टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन टी रेस टू द पावर हाफ, तो यानी अंडर रूट ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन साइन अल्फा, और आपका टी क्या था, टी था कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोटेक्स, तो रूट के अंदर रह जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा सी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इस इंटीग्रल को बाई चेंजिंग इट इंटू कोट एंड कोसेक। नाउ अगर हम बात करें इस थर्ड क्वेश्चन की, तो इस थर्ड क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर प्लस वन रेस टू द पावर थ्री बाई फोर का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां अगर मैं एक्स की पावर फोर प्लस वन को टी लू सीधा तो एक्स की पावर फोर में क्या आएगा, एक्स क्यूब, ऐसा तो यहां कुछ है नहीं, तो क्या करता हूं मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, और कैसे, इंटीग्रल यहां से एक्स टू द पावर फोर कॉमन लेता हूं, एक्स की पावर फोर बाहर लूंगा तो एक्स की पावर फोर की पावर थ्री बाई फोर यानी एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर फोर मैंने बाहर लेने लिया तो एक्स टू द पावर फोर की पावर थ्री बाई फोर यानी एक्स क्यूब बाहर आया, और एक्स की पावर फोर लिया मतलब एक्स की पावर फोर से इस टर्म को डिवाइड किया यानी वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर रेस टू द पावर थ्री बाई फोर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस ब्रैकेट से एक्स टू द पावर फोर कॉमन लेना मतलब अंदर वाली टर्म्स को एक्स टू द पावर फोर से डिवाइड कर देना, और जब एक्स टू द पावर फोर बाहर आएगा तो उसकी पावर थ्री बाई फोर होगी तो बचेगी फोर इंटू थ्री बाई फोर मतलब एक्स क्यूब। अब हमारे पास ये इंटीग्रल आई चेंज हो गया इंटीग्रल वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर रेस टू द पावर थ्री बाई फोर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करते हैं, इस वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर को टी मान लेते हैं, तो लेट वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू टी। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स टू द पावर माइनस फोर का डिफरेंशिएशन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये हमें देगा वन अपॉन एक्स की पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई फोर।
तो अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डीएक्स माइनस डी टी बाई 4, तो माइनस 1 बाई 4 बाहर ले आता हूं इंटीग्रल, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को आपने वाला टी, तो 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 3 बाई 4 डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 टी रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 4 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, 1 बाई 4 विद नेगेटिव साइन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब हमारे पास ये आया माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 1, तो इट विल बी प्लस 1 बाई 4, तो 4 बाई 1, और मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1, तो टी रेज टू द पावर 1 बाई 4 प्लस सी। अब टी आपका क्या था, दिस इज इक्वल टू माइनस टी था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1 बाई 4 प्लस सी, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें हमारे पास इंटीग्रल जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वो है टेन क्यूब 2x इंटू सेक 2x, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं एक टेन 2x इसके साथ में ले लूं तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x sec 2x dx। अब tan x sec x dx शायद इंटीग्रल sec x में आएगा sec x tan x, तो इसलिए sec x tan x वाले टर्म को यही रखते हैं और इसको sec में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू टेन 2x sec 2x dx। अब यहां क्या करते हैं, sec 2x को t मान लेते हैं, तो लेट sec 2x इज इक्वल टू t, देन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, तो इट मीन sec 2x tan x, और साथ में 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये आपको देगा डी एक्स इंटू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, तो सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां ले आते हैं आई के अंदर, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल sec 2x को आपने t माना, तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, और ये tan 2x sec 2x dx ये आपका हो गया dt by 2, तो 1 by 2 बाहर आ गया और ये रह गया dt, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t माइनस हाफ इंटीग्रल dt, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी टी क्यूब बाई 3 माइनस हाफ, और इंटीग्रल डी टी रह जाएगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दिस इज इक्वल टू हाफ व्हाट वाज टी क्यूब, टी क्यूब मीन्स sec क्यूब 2x, तो 1 by 6 sec cube 2x minus 1 by 2 t means sec 2x plus c, ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे जिनमें फंक्शन की पावर n मल्टीप्लाइड होगी विद द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन।